ऑन कैमरा। सरकारी शिक्षक में गोलमाल ये होता है कि एक मैम चली जाती है तो दूसरी मैम उनका अटेंडेंस बना देती है। अभी हम मुजफ्फरपुर जिला के मानिकपुर पंचायत में बनराज थाना के अंदर एक प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे हैं और यहाँ का स्थिति सुनने में आया बहुत गड़बड़ चल रहा है। चलिए हम मैम से मिलते हैं और यहाँ पर स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनसे मुलाकात करेंगे और प्रिंसिपल साहब से कुछ जवाब सवाल करेंगे और उनसे स्कूल के बारे में पूछेंगे, कमियाँ को उस पर बताएंगे। और चलिए मैम, आप स्कूल के प्रिंसिपल है क्या? नहीं सर। प्रिंसिपल कहाँ है सर? ट्रेनिंग में गए हुए हैं। अभी इस स्कूल में फिलहाल कितने शिक्षक लोग हैं? हम लोग 4 आदमी हैं। तो 2 लोग ट्रेनिंग में गए हैं कि एक आदमी? 2 आदमी गए हुए हैं। तो प्रिंसिपल साहब से हमको अनुमति चाहिए, स्कूल का हमको रिपोर्टिंग करना है। अच्छा, तो सर बात कर लीजिए। बात कराइए, थोड़ा स्कूल का बच्चा सबको दिखाइए। सर ये कौन सा क्लास चल रहा है मैम? सर पहला दूसरा है इसमें। सर वन आप 3-4 किधर चलता है? 3-4-5 3-4-5 उसमें। ठीक है, आप सर से बात कीजिए। सर हम सिल्क टीवी सर स्कूल के बारे में इंक्वायरी आई है सर कि स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, उसके बारे में आया। इस स्कूल का ग्राम पंचायत के लोग आए हुए हैं कि इस मानिकपुर पंचायत में जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ का सर जाँच करने के लिए। और इसके बारे में, हाँ सर इसके बारे में हम बच्चों से और मैम से कुछ जांच कर ले रहे हैं सर। ठीक है, प्रशिक्षण में आप है तो मैं जांच यहाँ कर लेता हूँ। आप कुछ इसको मैं दिखा देना है स्कूल को, बस बात करता हूँ कि हम यहाँ पर आए थे, बच्चों से मिले और पूछे बातचीत किए। ठीक है, तो जी भेजिए। ठीक, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? ठीक है, थैंक यू सर। दिखाइए बोर्ड, थोड़ा दिखाइए इसको, बच्चा सबको भी दिखाइए सर। सर ये बताइए ये क्लास कौन कौन सा क्लास में बैठा हुआ है सर? चौथा पांचवा। चौथा पांचवा थ्री कहाँ है? 1-2 तो मैम बोली उसमें तीसरा चौथा पांचवा। अच्छा थ्री। सर टोटल रजिस्टर में कितना एडमिशन है और बच्चा कितना है इसमें सर? जी रजिस्टर टोटल कितना है? रजिस्टर तो एक जो वर्ग है जी, मैंने टोटल मिलाकर सर 3-3-4-5 मिलाकर टोटल रजिस्टर में स्टूडेंट की संख्या कितना है सर? स्टूडेंट की संख्या तो आपके सामने है, मैंने रजिस्टर ऑन रजिस्टर सर पूछ रहे हैं, ये तो नज़र के सामने है, ये ऑन रजिस्टर बताइए सर। ऑन रजिस्टर तो यही है सर। मैं कितना आपके रजिस्टर में मैंने रजिस्टर्ड है कि इतना बच्चा आता है उतना नहीं आया हुआ है? तो प्रिंसिपल साहब तो यहाँ है नहीं। तो ठीक है, प्रिंसिपल साहब से हम बात किए हुए हैं, बोले कि सर लोग हैं उनसे बात कर लीजिए। तो आप बताइएगा ना सर, आप जब इस क्लास कर रहे हैं सर तो अटेंडेंस जरूर बनाइएगा। अटेंडेंस बनाया तो उस अटेंडेंस में देखे ना ये टोटल बच्चा का नाम कितना है, थ्री में कितना है, ये तो कुछ सर आपको पता होगा सर जी। तो बताइए सर टोटल 3-4-5 टोटल मिला के स्टूडेंट की संख्या कितना है सर? चलो 26। देखिए इस स्कूल में तीन क्लास मिलाकर 26 स्टूडेंट है, लेकिन स्टूडेंट अभी मात्र हमको दिख रहा है 15-17-20 होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। कन्वेंट में जो जाते हैं जी जी सर, तो इस पर भी सर बात होगी आपसे जो कन्वेंट में जाते हैं सर। अभी आप बताइए आप क्या पढ़ा रहे हैं सर? अभी हिंदी पढ़ा रहे हैं। चलिए हिंदी पढ़ा रहे हैं। अच्छा बाबू तुम्हारा नाम क्या है? धीतराज। किस क्लास में पढ़ता है? चौथा में। मैथ पढ़ लिया है? नहीं। मैथ क्या नहीं पढ़ाया? अभी पढ़ाई नहीं हुआ है? हुआ। तो तू नहीं पढ़ाया कर रहा है? नहीं। मैथ में आज क्या पढ़ा है तू? मैथ में अभी तुम क्या पढ़ा है? मैम इसमें पढ़ाई है तुम लोगों को अभी? जी। मैम तुमको क्या पढ़ाई है? मैथ? नहीं गिनती पढ़ा। तो वही ना मैथ, गणित पढ़ाई है? जी। ठीक है, आपके स्कूल में जो 1-2 क्लास है इसमें टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना है ऑन रजिस्टर? ऑन रजिस्टर दूसरा में है 12 गो, तीसरा में है 29 गो। 29 और 12 जी। देखिए अभी 1-2 मिलाकर टोटल स्टूडेंट की संख्या 29 है, लेकिन इसमें 50% बच्चे आए हुए हैं क्योंकि यह सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल में लोग नहीं, स्टूडेंट लोग नहीं जाता है, खासकर उसमें सुनने के आता है कि पढ़ाई नहीं होती है। बाबू यहाँ खाना पीना में क्या क्या बनता है?
चावल दाल और सब्जी। तुम रोज रोज खाना खाता है यहाँ का? जी। यहाँ सब सर लोग टाइम पर आते हैं? जी। काय बजे? 9 बजे। 9 बजे आ जाते हैं? जी। ठीक है, तुम किस क्लास में है? पांचवा। पांचवा में है। अच्छा, तुम किस डिस्ट्रिक्ट में रहता है, किस जिला में रहता है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर का स्पेलिंग मालूम है? तो मैम से कभी पूछा है तुम? काय नहीं पूछा है। चलिए आगे, 5 का स्टूडेंट आप ही हैं? 5 के स्टूडेंट हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? बताइए किस क्लास में पढ़ते हैं? चौथा। डिस्ट्रिक्ट लिखिए, उसके बाद मैं मुजफ्फरपुर लिखिए, ताकि बच्चा को भी मालूम चले कि मेरा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर है। इंग्लिश मैम प्लीज, इंग्लिश में भी मालूम चले कि हम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर माने जिला में रहते हैं। ये सब अगर परिचय लिखना ही बच्चा का पहला मेन काम है। सर आप प्लीज, आप प्लीज सर, आपसे तो बात नहीं, आपसे भी बात करेंगे चाचा, आप नहीं बता पाइएगा। देखिए इसमें जितना बच्चा परिचय लिखना, दूसरा चीज क्या पढ़ेगा? आप ऑन कैमरा कीजिए ना। चलिए मैम के कंफ्यूज है जिला डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर लिखने में, क्योंकि मैम को अभी थोड़ा ये है कि आदत नहीं है, उनको आता नहीं है। हम तो ये नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मैम से हम बोले बोर्ड पर लिखिए मैम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर, तो नहीं लिख पाए। चलिए अभी हमारे नीतीश चाचा 8 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वैसे वैसे भी टीचर को रखे हुए हैं। देखिए जिनको जिला का स्पेलिंग लिखने नहीं आ रहा है, वो टीचर बच्चा को 5 तक के बच्चों को पढ़ा रही हैं। चलिए मैम से पूछते हैं, मैम एक बात बताइए, भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अच्छा मैम, लगता है यहाँ पर स्कूल स्कूल टूट गया है। तब बताइए बिहार के आपदा परिवहन मंत्री कौन है? मैम आपदा आएगा आपके स्कूल में टूटा हुआ है, तो फिर आप किसके पास कंप्लेन कीजिएगा? अच्छा छोड़िए मैम, एक और आपसे लास्ट क्वेश्चन है मैम, भारत के प्रथम महिला उपराष्ट्रपति के नाम बताइए। देखिए यहाँ प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक है, इसमें बच्चे 1 से 5 तक बैठे हुए हैं। मैम को खुद का अपना परिचय लिखने में ही गलत है, मैम को मुजफ्फरपुर का स्पेलिंग नहीं आ रहा है, क्योंकि मैम मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से ही हैं। उनको डिस्ट्रिक्ट बोलकर, डिस्ट्रिक्ट लिखकर मुजफ्फरपुर लिखने में बहुत दिक्कत हुआ एंड लिख ही नहीं पाई। इसी चलते इस पंचायत के लोग ही बताया कि इस स्कूल में जाइए, इस स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। मैम का कमजोरी भी मालूम चल गया। अब चलिए सर से कुछ बात करते हैं। ये बताइए सर, बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी सर? महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। अच्छा आप पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर राधा कृष्ण। डॉक्टर राधा कृष्ण, ठीक ही है सर, को ये तो पता है, लेकिन बच्चों को शिक्षा दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं, बच्चों से मिले उनके बाद 4 से 5 महीना ही इस विद्यालय में। जी सर, 26 फरवरी को ही आए, तो आए हैं, तो शिक्षा का जो स्तर है हम लोग काफी कोशिश कर रहे हैं सुधारे, ऐसा नहीं है कि ठीक है सर। आप बोले कि हम सारा सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं सर, तो इसका मतलब आप मैथ भी कभी कभी पढ़ाते होइएगा सर? मैथ तो कम पढ़ाते हैं, इंग्लिश हिंदी पढ़ा सर, आप मैथ भी पढ़ा। आपको सर कब से गवर्नमेंट सर जॉब कर रहे हैं आप? यहाँ हम लोग 26 फरवरी के 2022 गवर्नमेंट टीचर है, 22 से ही है। 2022 से जस्ट ज्वाइनिंग हुआ कि अभी कहीं नहीं यही प्रथम ज्वाइनिंग? ठीक है सर, आप परीक्षा निकाल कर आइए होइएगा सर। जी सर, तो सर बच्चा तो छोटा लेवल का है, लेकिन इस बच्चा से थोड़ा टॉप क्वेश्चन ये है सर कि आप a+b का होल क्यूब बता दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे, a² + b² + c². देखिए सर a+b का होल क्यूब, यस सर, सर आप एक लास्ट क्वेश्चन बताइए मुझे, a+b का होल क्यूब क्या होता है सर? a² + 2a + b². देखिए सर मैथ का योगदान क्या देंगे, जब सर को खुद ही नॉलेज नहीं है a+b का होल क्यूब
जब शिक्षक महोदय के पता नहीं है तो वो बच्चों को योगदान क्या देंगे। शिक्षा मंत्री जी, अभी भी आपका ध्यान खुला या नहीं खुला ये तो हमें पता नहीं है। आप वैसे वैसे शिक्षक को रखे हैं जिनको मुजफ्फरपुर का स्पेलिंग निकले नहीं आया, जो मैथ का सर फार्मूला नहीं बता पाए, वैसे शिक्षक बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। शिक्षा मंत्री जी, आपको शर्मिंदा होना जाना चाहिए ऐसे ऐसे शिक्षक को देखकर जिनको अपना डिस्ट्रिक्ट का स्पेलिंग मालूम नहीं है, एड्रेस मालूम नहीं है, सर को मैथ का नॉलेज नहीं है, वैसे वैसे शिक्षक को आप कैसे चुनकर सरकारी स्कूल में भेज देते हैं। क्वालिफाइड स्टूडेंट रोड पर लाठीचार्ज करवा के उसको पिटवाइएगा, लेकिन वैसे क्वालिफाइड स्टूडेंट को अपने स्कूल में बहाली नहीं करवाइएगा। दादी जी बताओ आज क्या बनेगा। बेटा बन रहा है लौका दे के, दाल दे के खिचड़ी चोखा जी। रोज रोज खाना अपने बनवा ले में। हाँ, हाँ, अपने के कितना पैसा मिल रहा है। 1600 हमेशा मिल जाले ना बेटा, 2 महीना 1 महीना बीच दे के 1600 पर इतना काम करी ले। का करू, शुरू है 50 रुपया पर खट ली बेटा। ये बेरा तो 1600 पर खर्च देखिए इतना है उसमें। ये दादी मेरा खाना बना रही है और 1600 रुपया मात्र मिलता है। सरकार को ऐसे दादी ऐसे को सरकार को अधिक से अधिक इनको 10,000 या 12,000 का महीना देना चाहिए। हेडमास्टर को जब बुझाएगा तब वो गैस लेकर आएंगे। बूढ़ा व्यक्ति 57 पर खाना बना के 100 बच्चों को या 50 बच्चों को खिलाएगी, लेकिन प्रिंसिपल साहब आप कम कमाते होइएगा 40 से 50 हज़ार का होइएगा, लेकिन ऐसे बूढ़ा व्यक्ति को आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा। देखिए मैम प्रशिक्षण में गई है, ये मैम दूसरे मैम का अटेंडेंस बना रही है। नहीं, उसका सर आप क्यों भर रहे थे, आप वो भरती ना, वो भरती आप क्यों तो चल गए तो उसका कटा कटा रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए, आप क्यों भरे हैं। नहीं, इसका जवाब दे आपका होगा। नहीं, यहाँ आप अटेंडेंस नहीं बनाए, यहाँ नहीं बनाए, अटेंडेंस नहीं बनाए, सर का अटेंडेंस मेरा है। देखिए इनका आप क्यों लिखे हैं। देखिए चहल मैम जो है, देखिए चहक और चहल में मैम को बुझाइए नहीं, मैम लिख दी चह वो नहीं है सर, ऑन कैमरा सर कर लीजिए चहक। मैम को तो अशुद्धि लिखने का ये तो आदत ही है। देखिए तो आप, हम तो फ्रंट कैमरा है मैम पकड़ा गए हुए कि चहक और चहल चहव में आपका अंतर नहीं बुझा रहा है। आप देखिए सरकारी शिक्षक में गोलमाल ये होता है कि एक मैम चली जाती है तो दूसरी मैम उनका अटेंडेंस बना देती है। तो ये अभी वो मैम नहीं, उनका हैंड राइटिंग होना चाहिए, आपका क्यों है यहाँ पे। कहने का मतलब है वो ट्रेनिंग में चली तो उनका प्रशिक्षण तो हम लोग भरेंगे ना। आप भरिएगा, वो भरेंगे। मैम हमको मत समझाइए, हम भी टीचर का ही बच्चा है, हम भी उनका ही बेटा है, लेकिन वैसे नहीं होता है। तो आप क्यों भरे, जब यहाँ पर खोजबीन हुआ ये मैम दूसरे मैम का अटेंडेंस भर दी। देखिए सरकार को इस पर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई होना चाहिए इस स्कूल पर कि मैम को फर्स्ट बात तो मुजफ्फरपुर का स्पेलिंग लिखने नहीं आया और हिंदी का बात रहा तो चहक लिखने नहीं आया और ये मैम दूसरे का अटेंडेंस। सरकार को इस पर बड़ा से बड़ा एक्शन लेना चाहिए। देखिए प्रिंसिपल मैम स्कूल में अनुपस्थित है और उनका नौकरी बचाने के लिए, उनका भाई है हस्बैंड है ये तो मुझे पता नहीं है, उनका नौकरी बचाने के लिए ये आ गए हैं और हम लोग को धक्का मार के स्कूल से बाहर कर दिए हैं। क्या यह सही है? अगर सही होगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर सही नहीं होगा तो आप इतना से इतना शेयर कीजिए कि मेरे शिक्षा मंत्री के कानों तक जाए कि एक रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा है और प्रिंसिपल के भाई आकर लातम जुतम कर रहे हैं।